अब रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। खबर भिवंडी से। बता दें कि भिवंडी में संचार बंदी लागू हो चुकी है। हम आपको बता दें कि रात के 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान जो राज्य सरकार ने किया था उस पर अमल अब यहां पर पुलिस करते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि 11 बजे ही पूरी दुकानें शहर में बंद कर दी गई। हालांकि पुलिस ने जगह जगह पर चौक चौक पर अपनी नाकेबंदी शुरू कर दी है। हर मुख्य रास्तों को बंद कर दिया गया है। हालांकि वहां पर नाकेबंदी लगाकर पुलिस हर किसी वाहन की जो है वह जांच कर रही है। बिना जांच के उनको आगे बढ़ने दिया नहीं जा रहा। हम आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस हर चौक पर हर नाकेबंदी कर रही है। उनकी गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो बंदोबस्त है वो कड़क कर दी गई है और पूरे इलाका जो है वह सन्नाटे में बदल गया है। हम आपको बता दें कि संचार बंदी 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक चलने वाला है। इस दरमियान पुलिस ने अपनी बंदोबस्त जो है बढ़ा देने के कारण अभी पूरे इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि इस लॉकडाउन का असर पहले दिन ही भिवंडी में खूब दिखा। हम आपको बता दें कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग जो है वो बिना कारण घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस ने अब अपना जो काफिला है वो उस तरफ भी घुमा दिया है। जो ऐसे लोग मिल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी है। बता दें कि ऐसे में अत्यावश्यक जो जरूरी चीज़ें हैं वो मात्र शुरू रहेंगी। हम आपको बता दें कि जैसे कि दूध हो गया, किराना दुकान हो गई, मेडिकल हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, भाजीपाला की जो चीज़ें हैं, ये सारी शुरू रहेंगी। उनको छूट है इस बारे में। लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि जो लोग बिना कारण या फिर किसी बिना काम से घर से बाहर निकले हैं, ऐसे लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। 4 से 5 लोग अगर इकट्ठा दिखाई देते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।